सर क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे ओटीटी ऐप हमने देखे हैं, ये किस तरह से अलग होने वाला है और आपका नाम जुड़ा है तो अच्छा है। साइलेंट प्लीज। जो भी अभी आपने पूछा ओटीटी के बारे में कि नए ओटीटी के बारे में बताइए, इतने सारे ओटीटी हैं, आपका कहना है कि इतने सारे ओटीटी आए हुए हैं, इसमें नया क्या है? मार्केट में जो भी आ रहा है वो अपनी विचारधारा के साथ आ रहा है, अपने तरीके से आ रहा है। ये हमारा ओटीटी है, रियलिटी शो बेस्ड ओटीटी है, फिल्में भी हैं, और जो भी अभी हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हमने मार्केट के आज के लेवल के हिसाब से नहीं चल रहा है, फैमिली को देखते हुए, जिसमें सभी लोग मिलकर आराम से बैठ के उस चीज़ को देख सकते हैं। और जो भी रियलिटी शो है वो पार्टिसिपेंट करेगी, ऑडियंस पार्टिसिपेंट कर सकती है, और बहुत बड़े प्राइजेस उनको मिलेंगे इसमें जितने भी हैं। तो यही सब है जो जो भी आम ओटीटी में होता है, हम जरा जो है कल्चर के दायरे में है, बस इतना है। अमन सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे मैंने जो एंकर जो आपको पूछ रहे थे उनमें भी मैंने सुना कि कंटेंट के बारे में बहुत सारे, तो सर ये ओटीटी ऐप्स जैसे सर ने कहा कि रियलिटी शोज भी होंगे और बहुत सारे फिल्में भी होंगी, तो क्या एडल्ट कंटेंट से छोड़ के कुछ अच्छा सिनेमा इस ओटीटी के थ्रू देखने मिलेगा हमें? देखिए मुझे 22, 23, 24 साल हो गए इंडस्ट्री में, और मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली जानता हूँ कि जो लोग चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, आपको अपने आप को उनके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। और अगर मार्केट में अगर आपको रहना है समय के साथ, आई थिंक जब मैंने टेलीविज़न शुरू किया था उस समय दूरदर्शन था, दूरदर्शन के बाद दूरदर्शन मेट्रो आया, डीडी मेट्रो आया, उसके बाद जी का 2 घंटे का स्लॉट शुरू हुआ था, जी के बाद सोनी आया, सोनी के बाद स्टार आया, स्टार में पहले गेम शोज़ थे, गेम शोज़ के बाद म्यूज़िकल शोज़ शुरू हुए, फिर रियलिटी टीवी शुरू हुई। सो मेरा ये मानना है कि हर 5 या 6 या 8 साल के अंदर एवरीथिंग चेंजेस, दिस इज़ दैट। आई थिंक आज ओटीटी के इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बट वही है कि गिनती के 2-3 ही हैं जो एक तरह से आज चल रहे हैं। बट ऑफ कोर्स अगर आपकी टीम अच्छी है, अगर आपने अपना होमवर्क अच्छा किया है, आपकी टीम ने जो भी सोचा है कि आपको किस तरह के प्रोग्राम दिखाने हैं, क्या लोगों को दिखाना है, रिसर्च आपने करके रखा है, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी प्लेटफॉर्म एक तरह से फेल नहीं होगा। बट यू नीड टू डू योर होमवर्क वेरी वेल। होमवर्क अगर अच्छा है, लोगों ने पूरा का पूरा रिसर्च करके एक एक प्रोग्राम के बारे में, आप जैसे ये बोल रहे हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ रियलिटी शोज़, आज का दौर रियलिटी शोज़ का है, एंड अगर सही लेवल पे सही स्टडी के साथ ये आए हैं, आई एम श्योर कि बहुत अच्छा चलेगा। एंड दे आर ट्राइंग टू, मतलब ये जो प्रोग्राम है वो केटर कर रहे हैं कि घर में बैठ के हम अपने पूरे परिवार के साथ देख सकें, तो ये भी एक एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। बट जैसे मैंने बोला कि हर तरह के शोज़ बनते हैं, एंड आई विश गुड विश 9 ऑल्सो कि ये भी एक तरह से अपना एक मकाम बना सके, अपनी एक पोजीशन बना सके, और आगे जाके लोग इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में भी अच्छा बोलें, एंड एवरीबडी वुड वॉन्ट टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सर यहाँ पे इतने सारे पोस्टर्स देख रहे हैं हम फिल्मों के, क्या कोई फिल्म में आप भी दिखाई देने वाले हैं, कुछ उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक इस इंटरव्यू के बाद मैं इनसे बात करूँगा। भाई मैं आ गया हूँ तो अभी इसमें से कौन सी फिल्म में मेरा हिस्सा होगा, बट जी हाँ, राज जी यहाँ मुझे, मतलब आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ आपको खुश करूँगा, खुशी खुशी आप सब लोग घर जाएंगे तो उसका पूरा श्रेय इनको जाता है, और अगर मैं खुश नहीं करूँगा उसका श्रेय भी इनको ही जाता है, सिंपल सी बात है। हाँ तो वो राज जी बताएंगे कि आगे कौन सी फिल्म में मैं एक हिस्सा हूँ, बट इनकी वजह से आज आया हूँ, और तहे दिल से आई विश दिस प्लेटफॉर्म अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। सर जी आप पता है गेस्ट के रूप में हैं या फिर आगे आप? नहीं सर सही बोले, एक्चुअली गेस्ट के रूप में नहीं, हो फैमिली के एक हेड के इसमें आए हैं, और गॉड ब्लेस यू, में वो उनके बहुत बड़े किरदार हैं, में बहुत बड़े एक IPS ऑफिसर हैं, उन्हीं में आए हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि हम चाह रहे थे एक साथ उनका पर्सनल अलग से लॉन्चिंग हो। ऑलरेडी एक पिक्चर हमने किया है NRI डायरी,
फोन रिलीजिंग है या इस महीने नेक्स्ट मंथ उसके बाद इसको होगा तब सबको मिलेंगे सर सामने नहीं और बकायदा उनका पोस्टर इंटरव्यू पर्सनली उस पिक्चर के लिए होगा। आज तो वो OTT प्लेटफॉर्म के चलते यहाँ ये बहुत अच्छी बात है और उन्होंने आज शुभकामनाएँ दी हैं कि चले और OTT के बारे में अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छा लगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे जुड़े हैं आप इस टीम के साथ और क्या रोल होगा आपका? मैं इस टीम में एज ए डायरेक्टर जुड़ा हूँ और मैं ये फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं अमन जी के साथ काम कर चुका हूँ क्योंकि सास भी कई बहू में असिस्टेंट डायरेक्टर था और सर पहले भी स्टार थे, आज भी स्टार हैं। मैं असिस्टेंट से डायरेक्टर बन गया लेकिन ये डे बाय डे ग्रो कर रहा है। पहले इनके कहने का मतलब है कि इनकी ग्रोथ हुई है, मैं तो वहीं का वहीं। सर आप तो पहले से स्टार थे, अभी भी स्टार हैं और भी स्टार रिपोर्ट। एक्चुअली मैं बहुत सालों से अभी जो अब पेंडेमिक के बाद जो हम लोग OTT प्लेटफॉर्म में 80% जो न्यूडिटी लॉन्च प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर सर ने बताया कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस सिनेरियो हैज़ बीन गॉन, ओके। सो हम लोग कुछ नया क्रिएट करना है क्योंकि अगर कुछ मार्केट में कुछ नया दोगे तभी लोग अट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब कुछ नया इसीलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ समथिंग शुड बी डिफरेंट, ओके। सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी आर नॉट गोना टू सर्व एनी काइंड ऑफ न्यूडिटी इन आवर, वी हैव अ क्रिस्टल क्लियर विजन, ओके। एंड वी गोना टू अट्रैक्ट दोज पीपल दे आर कमिंग फ्रॉम रूरल एरिया मिडिल क्लास फैमिली। अब ये प्लेटफॉर्म ग्रो होने वाला है क्योंकि अभी 5G भी लॉन्च हो गया है तो लोगों का एक्सपेक्टेशन समथिंग डिफरेंट होगा। सो वी आर गोइंग टू समथिंग प्रेजेंट समथिंग डिफरेंट। सो हम लोग अभी क्या है कि दिस वर्ल्ड इज अ ग्रैंड स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। अगर आपकी स्टोरी में दम नहीं है तो कोई भी आपके अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ओके। सो एज ए डायरेक्टर मेरा एक्सपीरियंस है कि हम कुछ समथिंग डिफरेंट करेंगे, देन वी ट्राई टू अट्रैक्ट द पीपल एंड ग्रैब द अटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू राज जी एंड थैंक यू अमन जी एंड ऑल एवरीवन, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। राज जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, 12 साल पुरानी दोस्ती है हमारी एंड आई गेस हम 4 फिल्में साथ में कर चुके हैं। फिलहाल केव का आपने शायद एक पोस्टर यहाँ पे देखा होगा, हम लोग साथ में कर रहे हैं। एंड गुडविश 9 क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म है, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, आपको बहुत सारी कामयाबी मिले। और कुछ अगर बॉलीवुड में हो या किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ भी नया आता है, अच्छा कोई कंट्रीब्यूशन देता है तो उसका हमेशा स्वागत होना चाहिए और हमें उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। तो उसी सपोर्ट को दिखाने के लिए आज हम सब यहाँ पे हैं कि अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो हमारा सपोर्ट आपके साथ है, आप कुछ अच्छा करिए और डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। नहीं ये फ्री नहीं रहेगा, इसका जो भी एनुअल चार्ज है वो रहेगा, MX की तरह फ्री नहीं है ये। और कब कब कौन सी फिल्में आ रही हैं तो अभी आप ये समझ लीजिए कि रियलिटी शो शुरू हो रहा है टाइम बैटल करके एक रियलिटी शो शुरू हो रहा है और मूडी रिच ब्रेड केव ये सभी एक साथ शुरू हो रही हैं। गुड और गॉड ब्लेस यू ये भी शुरू हो रही है। टाइम बैटल क्या है, कौन सा रियलिटी शो है, क्या होने वाला है? इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेंट की टाइम के साथ में जंग है। बेसिकली जैसे आप देखते हैं कि एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिशन नहीं है, टाइम के साथ में कॉम्पिटिशन है। सेलिब्रिटी नहीं रहेंगे उसमें, ये आम लोगों के लिए है। पार्टिसिपेंट्स जो भी होंगे आम लोगों में से आएंगे और वही करेंगे। ऑडिशन आज से चालू होंगे। हाँ इसका प्राइस रहेगा, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हर फेज पे ये 5 फेजेस में है ये प्रोग्राम और डे विनर से लेके फेज विनर और फाइनलिस्ट तक के लिए अलग अलग तरह के प्राइजेज हैं।
वो सारे के सारे रहेंगे। आप लोग किस तरह से कंपटीशन रखेंगे, प्राइम वीडियो है, अमेज़न है, नेटफ्लिक्स है, इनके साथ आप लोग कैसे कॉम्पिटिट, वहाँ पे भी नए नए सीरीज फिल्म आ रहे हैं, तो आप लोग किस तरह के कंपटीशन होगा वो बताइए, किस तरह से आपके कंटेंट होने वाला है, न्यूरेटिटी तो जगह तो डिमांड रहता है। देखिए सबसे पहले तो अपने जहन से ये कॉम्पिटिशन नाम का जो शब्द है ना इसे निकाल के बाहर रख देना होगा, हम किसी के साथ में कॉम्पिटिशन नहीं करने वाले। बेटर कॉन्टेंट का तो होगा ना, तो बेटर कॉन्टेंट का तो रहेगा, हमेशा रहता है, अगर हम बोले या ना बोले बेटर कंटेंट का तो हमेशा ही रहेगा। अगर हमारा कंटेंट बेटर है तो हम आगे हैं, और किसी के साथ कंपटीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिनके नाम आपने लिए हैं वो अपने फील्ड में धुरंधर है, और अगर हम कंपटीशन की तरह से चले गए तो फिर हमें उनके पीछे चलना पड़ेगा। उन्होंने अगर आश्रम बनाई तो हमें मठ बनानी पड़ेगी, एक बात बता रहा हूं, अगर उन्होंने कुछ भी बनाया तो हमें उसी से मिलता जुलता कुछ ना कुछ बनाना पड़े। हम ऐसा नहीं करने वाले, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ में, हम बिल्कुल अपना चल रहे हैं, जो भी बनाएंगे पब्लिक देखेगी बहुत अच्छी बात है, कोशिश करेंगे अच्छा देखे, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है किसी के साथ। फर्स्ट कंटेंट जो टाइम बैटल है ये शायद दिसंबर में रिलीज हो रहा है, इसकी डेट आगे पीछे हो सकती है कुछ, लेकिन दिसंबर में हो जाएगा, डेट अभी हम दे देंगे उसकी रिलीजिंग की। आज आप मानिए कि ऐप का मुहूर्त हुआ है, बहुत जल्दी ऐप में आपको कंटेंट नजर आने लगे, स्पेशली आपको। हाँ, इनको तो मेल करनी पड़ेगी। हाँ, मेल करना पड़ेगा, और आपके लिए लगता है मुझे सब्सक्रिप्शन फ्री देना पड़ेगा, क्योंकि जितने सवालात हुए हैं मुझे नहीं लगता कि आप पैसा देने वाले हैं मेरे को। रिलीज के लिए जो तकलीफें होती थी है वो हम लोगों को अब नहीं होने वाली है, जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं ऑल एंड सोल इन हाउस ओनली एवरीथिंग रिलीज के साथ में सारा कुछ करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा है, सभी लोगों के लिए मौका है, इसमें कंटिन्यूटी आप कितने भी पिक्चर आप बना सकते हैं और फिर रिलीज कर सकते हैं। थैंक यू सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर अभी तो हम जुड़े हैं, बहुत कुछ करने सोचे हैं राजी रोहित जी के साथ, कंपनी से जुड़ के बहुत कुछ करने सोचे हैं, फिर आप लोग का आशीर्वाद है कि क्या होता है। सर आप सर ये जो ऐप लॉन्च हो रहा है विश 9, पहले दिन से इसको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि वो अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बनाए और पब्लिक में छा जाए, उसको आगे कामयाबी मिले, बहुत अच्छे से हमारा वो जो लॉन्च है हो गया है और आगे उसमें काम बहुत अच्छा करेंगे हम, बाकी जो होगा मालिक बेहतर अच्छा ही करेगा। सर है एक्चुअली तो अभी रनिंग में चल रहा है, 2-3 प्रोजेक्ट और हैं, राज वर्मा जी अपने भाई हैं उनके साथ में जुड़े हैं, रोहित जी भी भाई हैं अपने अच्छा सा है गुडविज 9 के साथ में, तकरीबन चल रहा है अपना वर्क 1.5 साल से अच्छा है, कोशिश है कि अच्छा जाए, बढ़िया हो, कंटेंट अच्छा बने, आगे हर किसी को काम मिले। सर इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, इस तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म आते हैं कितना कारगर कितना अच्छा साबित होगा? सर डिपेंड खुद पे करता है कि हम चीज़ क्या पड़ोस रहे हैं, कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगे क्या नहीं अच्छा लगे, चीज़ अगर अच्छा हम बनाएंगे, अच्छे कंटेंट को उठाएंगे, साफ सुथरा चीज़ रहेगा तो वो जाएगा, अच्छा रहे सारे लोग उसमें काम करेंगे और सारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगा, अपने आप को स्टैंड करेंगे, और इंडस्ट्री तो है सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, इंडस्ट्री के भी 2 पहलू हैं, जिस रास्ते को हम चूज़ करें और आगे बढ़ें वो हमारे लिए बेटर है, डिसाइड हमको करना है कि हमारा रास्ता क्या है, जो हमको हमारी छवि भी अच्छा बनाए, हमारा वर्क भी अच्छा दिखे, जिससे लोग हमें पहचाने। थैंक यू मेरा नाम शशि पांडे है, मैं लेखक हूँ, गुडविश 9 चैनल को मैं अपनी ओर से गुडविश कर रहा हूँ, ये चैनल अच्छी तरह से लोगों के बीच जाए, लोकप्रिय हो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल के साथ जुड़े।
मेरे दो प्रोजेक्ट इस चैनल पे लगे हुए हैं, गॉड ब्लेस यू, और वहाँ पर आपने एक बोर्ड देखा होगा द मैसेज ऑफ बुद्धा। ये दो प्रोजेक्ट का मैं लेखक हूँ। द मैसेज ऑफ बुद्धा से जुड़कर मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। आज के जो दौर में हम अशांति, युद्ध, हिंसा, ये सब चीज़ों को हम सामना कर रहे हैं, और ऐसे समय में हमारा ये द मैसेज ऑफ बुद्धा लोगों के बीच आएगा तो शायद लोगों में प्यार, शांति, अहिंसा के प्रति एक विश्वास का जागरण होगा। गॉड ब्लेस यू, ये मेरी एक फिल्म है और इसके ऊपर बहुत जल्दी ये इस OTT पर आएगी। यही चंद शब्द मैं बोलना चाहता हूँ, और आखिर में गुड विश 9 के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये चैनल बहुत जल्द लोकप्रिय हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर लगभग हर जोन के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। ट्रेवलिंग शो, टॉक शो, रियलिटी शो, मूवीज़ में भी हम डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज यहाँ देख रहे हैं, सोशल, पॉलिटिकली, क्राइम, एडवेंचर, यानी एक हिट OTT होने के सारे मसाले हमारी गुड विश 9 में मौजूद हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर, दोनों ही जो आपके जो फिल्म है, वेब सीरीज है, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में कुछ बता सकते हैं? कौन डायरेक्ट करें, कौन प्रोड्यूसर? राज वर्मा जी हैं, उनकी कंपनी है राज वर्मा एंड कंपनी, वही हमारे कर्ता धर्ता हैं, और मनीष जी हैं हमारे डायरेक्टर हैं, और हम लोग टीम है और एक प्रयास जारी है। मेरा नाम अश्विनी इरोले है, मैं गॉड ब्लेस यू में एक्टिंग कर रही हूँ, और लॉर्ड बुद्धा जो वेब सीरीज है उसमें भी एक्टिंग कर रही हूँ। गुड विश के लिए मैं बहुत सारी गुड विशेज दूंगी, और एक्सेप्ट करती हूँ कि ये चैनल, जैसे MX प्लेयर आप सब बोल रहे थे, जैसे कि MX प्लेयर अभी है, तो उससे भी बड़ी कामयाबी छुए, ऐसी मेरी गुड विशेष है। और अच्छा लग रहा है कि अभी सब क्रेज चल रहा है OTT का, तो ये भी OTT जनरेशन के साथ चल रहा है, लेकिन ये सुन के भी अच्छा लग रहा है कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम वो कल्चर साथ लेके चल रहे हैं, जो बोल्डनेस है वो चैनल पे नहीं दिखने वाला है, जो हम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो सब इसको देख सकते हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारा कल्चर हमें अभी भी याद है। अश्विनी जी, मैं आपको गुड विश 9 को मैं सबसे पहले बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी कि यूथ के हिसाब से इन्होंने एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया है, और आई विश कि ये बहुत सक्सेसफुल हो। अब कितना सक्सेसफुल होगा वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरी विश है कि ये बहुत सक्सेसफुल हो। और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ब्लैक पॉलिटिक्स, उसमें एंटायर मैनेजमेंट कर रही हूँ मैं, सो एक्टिंग का अभी मैं नहीं आपको बता सकती कि मैं कर रही हूँ या नहीं, मैं सारा मैनेजमेंट कर रही हूँ ब्लैक पॉलिटिक्स, जिसे आप देख सकते हैं। सो मेरी सारी गुड विशेज है विद KB प्रोडक्शंस को, जो ये ब्लैक पॉलिटिक्स कर रही है, KB प्रोडक्शन और वेदांत, जहाँ पे ये रिलीज़ होने वाला है। लेकिन हाँ, मैं इतना बोल सकती हूँ कि जो ब्लैक पॉलिटिक्स प्रोजेक्ट है, ये वेदांत का फ्यूचर है। दैट्स इट, थैंक यू। सर, आपकी क्या बेस्ट विशेस होंगी और क्या कहना चाहिए? वेल, गुड विश 9 के लिए हमारी बेल विशेस है कि गुड विश 9 बहुत ही आगे जाएगा, और गुड विश 9 OTT वीडियो यहाँ से जो भी लॉन्च होंगे, टॉप ग्रेड के मूवीज, सीरीज सारे लॉन्च की जाएंगी। इसमें डिफरेंट टाइप के, हर जगह के लोकेलिटी, लैंग्वेजेस, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे मैक्सिमम 99% अच्छे कंटेंट ही आपको देखने को मिलेंगे, जो आप फैमिली में बैठ करके आराम से देख सकते हैं। आज के डेट में अदर जो OTT मीडियाज हैं, प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर आपको नहीं मिल पा रहा है, 100% प्योरिटी नहीं मिल पा रही है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट यहाँ पर हमारी कोशिश यही है कि सारे अच्छे कंटेंट ही आपको देखने को मिले। और हम अभी ब्लैक पॉलिटिक्स बना रहे हैं, जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के समय में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इवन इन पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, दोनों हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसको देखने के बाद में डेफिनेटली
हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है और मूवी दोनों ही रॉक एंड रॉक है। आप क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे इस नए गुड विश में? जो भी चीज़ें आएंगी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एक बार इसको अगर पब्लिक देखती है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स है। और हमारा ब्लैक पॉलिटिक्स जो आ रहा है उसमें वो जो चीज़ है वेदांत के लिए सबसे सुपर है, ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये वेदांत में सबसे ऊपर ही रहेगा, इसमें जो हम लोगों ने कंटेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।